नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हिरोशिमा काव्य, जिसके लेखक अज्ञेय हैं, इस काव्य के व्याख्या और शब्दार्थ को देखेंगे, काव्य के पंक्तियों को भी देखेंगे। कविवर अज्ञेय विरचित हिरोशिमा कविता अमेरिका द्वारा जापान के नगर हिरोशिमा पर परमाणु बम के गिराए जाने की घटना पर आधारित है। कवि कहता है कि परमाणु बम के फटने से ऐसा प्रकाश हुआ मानो सूर्य आकाश की बजाय पृथ्वी से निकल आया हो, पूर्व से निकलने की बजाय नगर के बीच से निकल आया हो। लेकिन यह सूर्य नहीं था, अपितु यह परमाणु बम था। कविता की पंक्तियां है, एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से, छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर परी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, काल सूर्य के रथ के पहियों की जो अरे टूट कर बिखरे गए हो दसों दिशा में, शब्दार्थ क्षितिज पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थल, अंतरिक्ष आकाश, छायाएं प्रतिबिंब, काल सूर्य मृत्यु रूपी सूर्य, अरे पहिए के बत को जोड़ने वाली तीलिया। प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत काव्यांश कविवर अज्ञेय विरचित काव्य संकलन अरि ओ करुणा प्रभामय में संकलित हिरोशिमा नामक कविता से उद्धृत किया गया है। इसमें कवि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के नगर हिरोशिमा पर परमाणु बम के गिराए जाने वाले प्रसंग को अंकित करता है और भीषण नरसंहार का वर्णन भी करता है। व्याख्या है, कवि कहता है कि अमेरिका द्वारा अचानक हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा दिए जाने और उसके विस्फोट से ऐसा लगा जैसे सूर्य उस दिन पूर्व के क्षितिज की बजाय अचानक नगर के बीचों बीच चौक पर निकल आया है। धूप भी अंतरिक्ष के बजाय फटी धरती से निकल, मानव की रचनाएं भी दिशाहीन होकर सब ओर फैली दिखाई दी। वह सूर्य पूर्व से नहीं उगा था, वह धरती वासियों को जीवन आलोकमयी खुशी देने वाला सूर्य नहीं था। ऐसा लगा था कि काल रूपी सूर्य के रथ पहियों को जोड़ने वाली धूरी टूटकर दसों दिशाओं में बिखर गए हो, अर्थात परमाणु बम की प्राणघातक अग्निशालाएं दसों दिशाओं में फैलती हुई नरसंहार कर रही है। काव्य की अगली पंक्ति है, कुछ क्षण का वह उदय अस्त, केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी फिर, छायाएं मानव जन की नहीं मीठी लंबी हो होकर मानव ही स्वभाव हो गए, छायाएं तो अभी लिखी है झुलसे हुए पत्थरों पर, उजरी सड़कों की गज पर मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाफ बनाकर सूख गया, पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। शब्दार्थ है उदय अस्त, निकलना और छिपना, प्रज्वलित जलता हुआ, झुल से थोड़े जले हुए गए धरातल, फर्श साखी गुआह। प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश कविवर अज्ञेय विरचित काव्य संकलन अरियो करुणामय प्रभामय में संकलित हिरोशिमा नामक कविता से उद्धृत किया गया है, जिसमें कवि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के नगर हिरोशिमा पर परमाणु बम के गिराए जाने वाले प्रसंग को अंकित करता है और भीषण नरसंहार का वर्णन करता है। व्याख्या है, कवि कहता है कि अणु बम के गिरने से ऐसा लगा कि थोड़ी देर के लिए वहां सूरज निकला और अस्त हो गया है। दोपहर के समय अणु बम गिराया गया था जिसने देखते देखते ही सारे दृश्य को नष्ट कर दिया, अर्थात हिरोशिमा नगर को नष्ट कर दिया गया। मानव छाया में इधर उधर नहीं बिखरे, अपितु गर्मी की अधिकता से उनका उन सबका वाष्पन हो गया, अर्थात मनुष्यों के शरीर भाफ बन गए।
भले ही मानव शरीर नहीं बचे, उनके चिन्ह भी नहीं बचे, लेकिन उनकी छायाएं अभी भी शेष है, अर्थात उस भयंकर विनाश की याद आज भी है। झुलसे हुए पत्थरों और पके धरातल पर विनाश की परछाइयाँ आज भी है। मनुष्य के द्वारा बनाए हुए सूर्य अनुबम ने मनुष्य को ही भाफ बनाकर सूख लिया, उसे ही नष्ट कर दिया। पत्थरों पर यह परछाइयाँ आज भी उस दिन की घटना की भयंकर विनाश लीला की गवाह है।